हेलो, मेरा नाम अमित भगत है और मैं एपिक कंपनी से हूँ। आप देख सकते हैं ये जो सेटअप है वो आइसक्रीम प्लांट का सेटअप है। इसमें जो आप देख पा रहे हैं पहला टैंक है वो पैस्टराइजर टैंक है। इस टैंक के अंदर आइसक्रीम के इग्रेडिएंट्स अलग अलग टेम्परेचर पे डाले जाते हैं और उसे अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता है। इसमें 80 डिग्री, टोटल 80 डिग्री गर्म किया जाता है। और आप देख सकते हैं इसमें एजिटेटर और मोटर लगा हुआ है, ये जो है वो मिक्स करने में हेल्प करता है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है मीटर लगा हुआ है, ये ऑटो कट ऑफ मीटर है, इसमें सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही ये 80 डिग्री टेम्परेचर पहुँचता है तो ये जो है वो ऑटोमेटिक हीटर इसके बंद हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है वो आपको हीटर बंद करने के बाद 80 डिग्री पहुँच जाएगा तो आपको जो है वो यहाँ से वाल ऑपरेट करना है टैंक का। और टैंक का वाल ऑपरेट करने के बाद जो है फिल्टर से होते हुए पंप के द्वारा इस होमोनाइजर मशीन में जाएगा। बेसिकली ये जो होमोनाइजर मशीन है ये जो करता है काम, जो आपने इग्रेडिएंट्स डाले हैं पैस्टराइजर टैंक में उसको माइक्रोन लेवल पे मिक्स करने का काम करता है। इसमें दो स्टेज दिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज से इसमें 500 PSI प्रेशर दिया जाता है और सेकेंड स्टेज से 1500 PSI प्रेशर दिया जाता है। टोटल मिला के इसको 2000 PSI प्रेशर दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं अभी जो है वो 2000 PSI प्रेशर है। तो आपने अभी जो है वो पैस्टराइजर में गर्म कर लिया मिक्स को, उसके बाद जो है वो आपने उसको मिक्स को जो है वो मिक्स भी कर लिया प्रॉपर वे से। अब जो है वो आपको मिक्स को ठंडा करना है 4°C+ पे। तो आपको ये जो दिया है वो प्लेट हीट एक्सचेंजर है। इसमें जो प्लेट हीट एक्सचेंजर में जो है वो कूलिंग टावर का ठंडा पानी आता है और अपना जो है मिक्स को गर्म जाता है। तो ये जो है वो 80 डिग्री से 45 डिग्री कन्वर्ट करता है और वहाँ से ये एजिंग टैंक में जाता है। आप देख पा रहे हैं ये जो एजिंग टैंक है वो इसमें कॉपर की पूरी वाइंडिंग रहती है और ये जो रेफ्रिजरेटेड सिस्टम रहता है इसमें। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है वो 22 डिग्री टेम्परेचर है और आप उसमें जो है वो 80 डिग्री टेम्परेचर था पैस्टराइजर में। ये जो है इसमें मिक्स जो है वो 4 घंटे के लिए एजिंग होता है और इसमें जो है ऑटो कट ऑफ सिस्टम है एज यूजुअल पैस्टराइजर की तरह। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी 22 डिग्री है और इसके बाद जो है वो ये है वो कंटिन्यूस फ्रीजर मशीन है। इस मशीन में जो है वो आइसक्रीम का आउटपुट आता है। यहाँ से जो है वो मिक्स को निकाला जाता है एजिंग टैंक से और वो जो है वो डाला जाता है ये फ्लेवर टैंक में। फ्लेवर टैंक से जो है वो कंटिन्यूस फ्रीजर में जाता है और वहाँ से जो है आइसक्रीम आउटपुट निकलता है। तो ये पूरा सेटअप है आइसक्रीम प्लांट का। थैंक यू सो मच।